देखिए कितना क्रिस्पी और सॉफ्ट काकड़ा बना है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब में ये ट्रिक लेके आई हूँ। आपको ज़रूर एंड तक ये वीडियो देखना है, बहुत मज़ा आएगा। और आप फुल गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप मेरे से भी अच्छे काकड़े बनाओगे। नमस्कार, राजस्थानी कुक बुक बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचा हुआ आटे की पतला पतला रोटी बना के उसका काकड़ा। वो ऊपर से क्रिस्पी और इतने सॉफ्ट बनेंगे कि खाते ही रह जाओगे। और इसके चटनी से चटनी लगा के, मिर्ची और हींग लगा के, अचार के साथ में, और उसके साथ में गर्मा गर्म चाय, तो खाने में इतने स्वादिष्ट लगेगी और बनने में तो एकदम आसान, और कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ज़रूर बनाइए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नॉर्मल जो रोटी बनाते वही आटा है, वो बचा है। इसके लिए मैं खाकड़े का रोटी बना रही हूँ, फिर बाद में आपको खाकड़ा बनाना भी बताएंगी। रोटी खाली जाड़ा बेलन से बनते हैं और लाटते हैं, और ये खाकड़े के लिए मैं ये पतला बेलन लिया है जिससे कि रोटी बहुत ही पतला बन के रेडी होएगी। इसको एक सिरका बेलना है, नहीं किनारी से बिल्कुल जाड़ा नहीं रखना है और बीच में भी पतला जाड़ा नहीं रखना है, बस इक्वल बेलना है इसको, ताकि अपने खाकड़े बन के बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और सॉफ्ट खाकड़े बन के रेडी होंगे। एकदम मस्त गोल रोटी बेल के रेडी हो गई है। अभी इसको रखते, अभी दूसरी ऐसे ही हम दूसरी रोटी को भी ऐसे ही तैयार करेंगे। रोटी के ऊपर सूखा आटा डाल रही हूँ ताकि 8-10 रोटियाँ एक साथ में बेलूँगी तो चिपके नहीं। ये खाकड़ा बनाने के लिए रोटी सेक रही हूँ। जैसे अपन खाने का रोटी कैसे सेकते हैं वैसे ही इसको सेकना है, और इसको फास्ट गैस में सेकना है, और इसको सेकने के बाद में सब रोटी को घी लगाना है, और घी लगाने के बाद में 3-4 घंटा रोटी को कवर करेंगे। फिर अपने को स्लो गैस पे अच्छे से खाकड़ा सेकना है। ये जैसे खाने का रोटी बनाते हैं वैसे ही अपने को सेकना है, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम वही प्रोसीजर से अपने को सेकना है। ये देखिए ये हो गया। ये खाकड़े का रोटी थोड़ा कच्चा रहेगा और तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से नहीं फूलेगा। खाने का रोटी रहेगा तो वो अपने को अच्छे से सेकना पड़ता है, एक एक रोटी को फुलाना पड़ता है, ये कोई ज़रूरत नहीं है फुलाने की। ऐसे ही अपने खाकड़े बहुत बढ़िया बनेंगे। टर्न कर दिया है रोटी को, अभी इसको अच्छे से सेकते हैं और इसको अभी फुलाते हैं। ये बन गया। नॉर्मल रोटी पे घी लगाते वैसे ही सब रोटी पे लगाना है, और 4 घंटे के लिए इसको डिब्बे में डाल के रखना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, आपको 100% गारंटी है मेरे जैसे आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छे बन के आपके भी तैयार होंगे। ये रोटी बना के रखा था ना मैंने, इसका 4 घंटा हो गया है, तो अभी इसका खाकड़ा बना रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया खाकड़ा बन रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना। इसको और थोड़ा एक साइड से दबाना है। अभी इसको पलटी करते हैं, अभी इसको पलटी करते हैं। देखिए ये पलटी किया, अभी इसको ये बाजू से भी ऐसे करना है जैसे वो बाजू किया था वैसे इसको दबा दबा के
ऐसे मशीन में भी होता है, लेकिन क्या है मशीन सबके पास नहीं रहता है। इसके लिए मैं अभी तवे पे बना रही, तो हर कोई भी इंसान तवे पे बना सकता है। और मशीन का भी मैं आपको दिखाएगी, मशीन का भी खाकड़ा जरूर दिखाएगी, उसका भी वीडियो में डालूंगी। ये खाकड़ा घी से खाओ, और चटनी जो सिंग दाने का चटनी बनता है उससे, उसके ऊपर घी और लगा के खाओ, बहुत ही एकदम टेस्टी लगेगी, इतने स्वादिष्ट लगेंगे ना खाकड़ा। ये देखिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नए नए रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।